नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के बजट से भी बजट स्मार्टफोन के बारे में, एंट्री लेवल 4G स्मार्टफोन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A01 कोर के बारे में। तो इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलेंगे, क्या इसकी प्राइस होगी, कब ये लॉन्च होगा, कैसा ये फोन होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस फोन के प्राइस के बारे में। ये पहला ऐसा 4G स्मार्टफोन होने वाला है जो आपको जो है तकरीबन 3000 या 3500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगा, 3000 से 3500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। अभी ये फिलहाल जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन इसकी प्राइस रेंज यही रहने वाली है। यानी हर कोई अब जो है 4G स्मार्टफोन जो है वो अफोर्ड कर पाएगा। सैमसंग की तरफ से ये एंट्री लेवल फ़ोन होने वाला है। तो इसके अंदर बात करते हैं कुछ इसके प्रोसेसर वगैरह की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो मीडियाटेक का ST6739WW प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया गया, जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन को देखते हुए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अंदर जो है हमें ड्यूअल सिम कार्ड मिल जाएगा, 4G और वोल्टी सपोर्टेड हमें मिल जाएगा, और बैक के अंदर जो है हमें सिंगल कैमरा सेंसर देखने को मिल पाएगा 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट के अंदर जो है वाटर ड्रॉप नोच के साथ हमें जो है 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही बैक में जो है हमें LED फ्लैश देखने को मिल पाएगा। फ़ोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक मिल पाएगा और मिनी USB टाइप चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड स्लॉट ये सपोर्ट करेगा। इसकी 1GB रैम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो हमें जो है 8GB स्टोरेज इंटरनल और 1GB रैम वेरियंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस फ़ोन के अंदर और भी कुछ कमाल के स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल पाएंगे, जैसे कि इसके अंदर जो है ड्यूअल बैंड वाईफाई यूज़ किया गया है। यानी कि जो आपकी वाईफाई है वो वाईफाई एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो पाएगा। ड्यूअल बैंड आप दोनों बैंड के ऊपर कनेक्ट कर पाएंगे, 2.4 Hz और 5 Hz के ऊपर दोनों पे से आप कोई भी बैंड पे चाहें उस पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है एंड्रॉयड 10 यूज़ किया गया है। तो ये एक बड़े ही कमाल का और बजट स्मार्टफोन होने वाला है। यदि आपके जो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपग्रेड करें अपने आप को कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ, तो उनके लिए एक अच्छा इंट्री बजट स्मार्टफोन हो सकता है। वैसे यदि स्मार्टफोन यदि लेना है तो आप जो है थोड़ा और प्राइस लगा के 5-6 हज़ार रुपये के अंदर अच्छा स्मार्टफोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। ये लॉन्च होने जा रहा है अगस्त के अंदर जो है ये लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं जैसे ये फ़ोन अवेलेबल होते हैं तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो देखने के बाद हमें पता चलेंगे। वैसे सुनने में इसके स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे लगे। वाटर ड्रॉप नॉच है इसके साथ ही, इसके अंदर जो है HD+720x1480 की जो है हमें इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नई वीडियो लेके आने की हिम्मत। धन्यवाद।